थोड़ा एक्सरसाइज और इस वेट लॉस ड्रिंक के साथ आप 21 दिनों में अपने बढ़े हुए पेट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। पेट एकदम स्लिम हो जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस पे। जैसे कि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि दी आपने इतने जल्दी अपना वजन कैसे घटाया, हमें भी बताइए, ऐसा क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ऐसा कर क्या रहे हो भाई जो इतना जल्दी आपने इतना वजन घटा लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपनी ये जर्नी वेट लॉस की शेयर करूं। तो देखिए, वेट लॉस की जब भी बात आती है ना, तो कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता है। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ती है। इनके हिसाब से नहीं हो पा रही है तो पहले आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे से अपना जब स्टैमिना बनना शुरू हो जाए तो आप रनिंग कर सकते हो। जब तक पसीना नहीं आएगा आपका वजन घटने वाला नहीं है। साथ ही साथ आपको डाइट पे भी अपना कंट्रोल करना पड़ता है। जो हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली, और बहुत ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में पड़ते हो तो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, और फिर हमें बाद में, अभी एकदम से नहीं पता चलता, थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, हम बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैंने क्या क्या किया, पहले तो देखिए मैं जिम भी जाती हूँ, हालांकि अभी 2 हफ्ते भर का टाइम हुआ है, लगभग इतना सही टाइम हुआ, अभी मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं पूरा दिन अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। देखिए, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमने भी जिम किया, हमने भी एक्सरसाइज की, डाइट भी फॉलो की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारा वजन क्यों नहीं घट रहा है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया एक यहाँ पे ड्रिंक शेयर करूंगी। अगर आप एक्सरसाइज अपनी अच्छी डाइट के साथ इसे यूज करते हो ना, तो देखना जैसे मतलब मुझे भी जल्दी से फायदा मिला, उस तरह से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। कैसे बनाना है आगे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। पहले हम समझ लेते हैं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन वजन फिर भी घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसा क्या है कि उनका वजन नहीं घट रहा है। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन तो देखिए, ये जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, जैसे ये जंक फूड खाना, ऑयली पे कंट्रोल नहीं है, चीनी वाली चीज़ें, शुगर बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हो, तो उस ये जो कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है ना, उनकी वजह से हमारा वजन जल्दी से तेज़ी से बढ़ता है। जैसे वाइट राइस हो गए, शुगर हो गई आपकी, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती है, ठीक है। तो पहली बात तो होती है कि आपको इन अपनी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए, जब आप ठान लेते हो किसी चीज़ को तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो ये मेरा ड्रिंक है ना, तो जो भी हमें हमारा सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वजन नहीं घट रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने तैयार किया। क्योंकि मुझे भी, मैं खुद, आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, वंदना फादर्स ब्लॉग के नाम से ही है, तो मैं खाने की इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे, मैं खुद बहुत पेटू हूँ। ये चीज़, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना और खाते रहना पूरा दिन भर, तभी मेरा भी वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, जब मेरा वजन एक थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे लग रहा है कि नहीं थोड़ा हैवी हो गया है, तो उस टाइम पे मैं फिर सारी चीज़ों पे कंट्रोल करती हूँ और अपना ये पूरा जो शेड्यूल है इसे फॉलो करती हूँ, और मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मतलब उतनी ही तेजी से मैं अपना वजन घटा भी पाती हूँ। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपको अपनी ये रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स को पहले तो चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड जो थिंग है जिसकी वजह से हमारा वजन घटता नहीं है, खूब मेहनत भी करते हैं लेकिन वजन नहीं घटता, वो है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्लो होता है। हम जो खाते पीते हैं वो सही से पचता नहीं है। तीसरा रीजन होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, उसमें टॉक्सिन्स जमा रहते हैं, गंदगी जमा रहती है, तो वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो डाउन कर देती है, और हमारा, आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन वजन आपका घट नहीं पाता है। नेक्स्ट है कि आप किसी बीमारी, जैसे कई लोगों को डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी वजन लगातार, चाहे आप जो मर्जी कीजिए लेकिन लगातार आपका वजन बढ़ता ही चला जाता है। थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से पीसीओडी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना, इनकी बीमारियों की वजह से भी फिर हमारा वजन बढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर हम कुछ भी करें, एक्सरसाइज करें, सब कुछ करके देखते हैं लेकिन घटने का नाम नहीं लेता। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए शॉर्टकट कोई नहीं है, एक्सरसाइज आपने करनी ही है, वॉक आपने करना ही है,
मतलब लगभग 1 घंटे का आप रूटीन बना लीजिए सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे का, कि आपने ये चीज़ करनी ही करनी है। एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, आप वॉक कीजिए। तो ये मैंने भी करना शुरू किया जब से, तो तब से मतलब इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपकी मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो आपको ये डायबिटीज़ या कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो वो भी खुदों को दूर हटने लगेगी, दवाइयाँ भी मतलब फेल हो जाएंगी और आप फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको फायदा ही है, नुकसान कोई भी नहीं है इस चीज़ का। स्किन आपकी अच्छी होगी, बाल आपके अच्छे होंगे। देखिए, बाहर से ही तोपने भर से आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं होती, आपको अंदर की गंदगी को भी बाहर निकालना होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिए। बाकी जो मैं मेन कर रही हूँ कि मैं डिनर और लंच के बाद, आधे घंटे के बाद जो ये ड्रिंक है इसे मैं लेती हूँ। एंड ये ना मतलब आपके मेटाबॉलिज्म रेट को एक तो बूस्ट करता है, पूरा दिन ना आप थोड़ा एनर्जेटिक से फील होता है, और जो खाना आपका खाया पिया है ना वो भी जल्दी से पचता है, और गंदगी को भी ये फ्लश आउट करता है। कैसे बनाना है चलिए जल्दी से देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेनी है मीठी सौंफ। देखिए, सारी चीज़ें आपकी किचन में अवेलेबल हैं, आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपने पीना है। बहुत ज़्यादा अति भी नहीं करनी है कि हाँ जी भाई खूब सारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपका वजन घटने शुरू हो जाएगा, तो वो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सौंफ लेनी है। सौंफ में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और सौंफ ऐसे भी हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है खाने के बाद, तभी तो हम सौंफ खाते हैं। और ये जो आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि नहीं बस मीठा खाना है मीठा खाना है, जिन लोगों को, मुझे खुद, मैं मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है ये ड्रिंक। सौंफ लेनी है आपने आधी जैसी चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, पूरी चम्मच नहीं लेनी है, आधी जैसी चम्मच के करीब आपने सौंफ लेनी है। आधी ही चम्मच आपने जीरा लेना है। जीरा भी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीरे में जिंक भरपूर मात्रा में है, आयरन है, पोषक तत्वों का ये भंडार है, और आपके वेट लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है ये। तो आधी ही चम्मच आपने जीरे की लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी चम्मच लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम 2 बार ले रहे हैं। एंड इसके बाद आपको तीसरी जो चीज़ इसमें लेनी है वो है सिनेमन, दालचीनी पाउडर बना करके रखा होगा मसाले में, आप यूज़ करते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 2 चुटकी, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। वन, अगर स्पून से ले रहे हो तो 1/4, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, तो आपने मतलब बैलेंस करके ही इस चीज़ को बनाना है। एंड इसके साथ आपको इसमें ऐड करना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बहुत फ़ायदे हैं। कड़ी पत्ता एक तो जिन लोगों को नींद नहीं आती ना रात को, या आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, जिन लेडीज़ को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, हार्मोन बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मुझे खुद ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो कड़ी पत्ता अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो ना, खाते हो सुबह आप कुछ पत्ते लेकर के, 4-5 पत्ते चबा चबा करके खाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे, इससे आपके बाल और स्किन भी अच्छी होती है। बाकी जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती ना, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ आपका वजन लूज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और पोषक तत्वों का ये भंडार है। तो बस कुछ कड़ी पत्ता आप इसी ड्रिंक में, आपको इस तरह से बॉईल करके आपको सारी चीज़ों को लेना है, जैसे आप देख रहे हो। तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, और जितनी जितनी क्वांटिटी में मैंने बोला उस तरह से आप ये चीज़ें डाल लीजिए, अच्छी तरह से इसे बॉईल कीजिए। जब यह हाफ हो जाए आपका पानी, तो फिर आपने इसको इसमें आधा कटा हुआ नींबू ऐड कर लेना है, शहद भी आप ऐड कर सकते हो। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। एंड शहद तभी लीजिएगा जब आपको पता हो कि ये प्योर शहद है, अदरवाइज फिर वेट लॉस वाली बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्केट में आते हैं ना शहद, आपको तो पता है प्योरिटी नाम की चीज़ तो आज की डेट में है नहीं। तो अगर आपके पास फ्रेश कहीं से आपने लाया हो, कहीं पे आपको प्योर मिला हो, तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट नहीं होगा इसका, तब भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप ट्राई करना, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। और फिर आपको कैसे लेना है इसको, आपने जब लंच कर लिया, जब आपने डिनर कर लिया, उसके आधा घंटा बाद आपको ये पीना है, बस 2 ही टाइम लेना है। आप हफ्ता भर इसे ट्राई करके देखिएगा, पर एक्सरसाइज जरूरी है, बाकी आपकी जो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं उस पर भी कंट्रोल करना, ये पिज्ज़ा बर्गर फ्राई चीज़ें ये चीज़ें नहीं खानी है।
तो जो मैं आपको बता रही थी ना कि चीनी वाली चीजें जो हम खाते हैं ज्यादा मीठा खाने की, जिन लोगों को ज्यादा हैबिट है, जिनको बहुत मन करता है कि नहीं मीठा खाना ही है, कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन फिर रहा ही नहीं जाता, तो उनके लिए ये दालचीनी वाला ऑप्शन जो है ना बहुत बेहतरीन है। तो आपकी ये इस हैबिट पे भी कंट्रोल करता है और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि जब भी आपको मीठा दिखेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब बस मुझे खा ही लेना है, खा ही लेना है। तो बहुत ये फायदेमंद है आपके लिए। बाकी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट है तो आपका वेट भी जल्दी जल्दी से रिड्यूस होगा। तो इस तरह से आप इसे ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बाकी अगर किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो तो वो चीज़ आप स्किप कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।